हेलो चलो जी बूटा जी नजरा इधर भूडी बाद सरकार इधर भूडी बाद कर लेना। हेलो 3 2 1 मेरे दिल के शीशे च सजना छज गई है तस्वीर तेरी। क्यों नानी कोई नू चैनल कार्ड जिले चीज प्रोग्राम कलर बाजी में आपका होस्ट मैं आपका हो गया चाचा बूटा। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मेरे बैठे हैं अच्छा हुसैन साहब और नाजन गौर से देखे लगता है अपना मदरे कादा नलका होता है देखो डाट से। इसकी अम्मी छोटे होते ही मुझे पालने के लिए इसको दे गई थी। चाचा जी नजायज़ किसी इल्ज़ाम लाओ ना तो वो भी 3 साल सजा है। अच्छा नजायज़। हाँ जी झूठ बोलन की। कितनी दसी सजा अपने 3 साल। हाँ जी 36 महीने कमीने। आज तक तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़े कितने मरे एक ही हुआ भी। ये मेरा अपना एक स्टाइल है। ये भी बूटा जी सजा होंगी मैं कहा खलो के कवाली की थी। अच्छा खलो के तो कवाली होती नहीं है। चलो फिर इदा करते हैं भी बह के कौमी तरह ना पढ़िया होंगे। अच्छा फिक पुणे की इंतहा कर दे तो मेरे प्रोग्राम को डिग्रेड कर रहा है वैसे। चलो कोई गल नहीं मैं कहा घड़े नू टूटी लवाई होंगी बूटा जी। ला मेरे दुश्मन तो मेरे दोस्ती को तरस है। चाचा जी वैसे तुहाडे वर्गा ढीठ बंदा भी मैं नहीं वेख्या जिंदगी कोई अद्धी इट हुंदी ओह कदा जिदा टुट नहीं जांदियां कई। आज तक तैनू पता मैं शुरू होया तो तेरिया जुगतां शुगतां मैं जिहड़ियां ना उत्थे तेरे मूँह च दे देनियां साड़ियां। मैं कहा आपां ही नारा मार के डर गया हुंदा। चल कैसा तेरा मूँह है बड़ा जिवें टुट्टा आपां फ्रीजर हुंदा। चलो जी सुन ला फिक्या 3 तों ज़्यादा बंदे जुआ खेलदे होण ना ते उह फड़े जाण ते उहनां नूं वी 1 साल की सज़ा है। तो अगर 500 बंदे जुआ खेल रहे हो। हाँ ये सोचने वाली गल फिर उन्होंने नाल बह के खेडन लग पो लख दी तुहाडे ते दौड़ती। चलो हुण प्रोग्राम भी शुरू कर लो कि बस बकवास ही करी जानी। हाँ वेख्या जवाब नहीं आया अगों ओए कुबी मंजी का पावा हुंदा है यानी हटना नहीं हुण तों। हाँ वेख्या बेटा तैनू कहा सी ना ना छेड़ बूटे नू ना ते इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ इस वक्त जो बैठी हैं उनका नाम है नाजिया। आपका नाम नादिया है ना। नादिया सब्जाजार से मेरे पास आई हैं। इनके साथ ज्यादती हो रही है जुल्म भी हो रहा है। नाजिन ज़रूरी है कि हम दोनों तवाफ़े आरजू हो जाते अगर होता है। सुबह से शाम तक लेकर रात से शाम तक मैं यह मेरे पास आ गई। इसको पता कि बूटे के अलावा दुनिया में कोई मसला नहीं अलगता। बूटा एक ऐसा बहादुर आदमी तो इसलिए यह बूटे के पास आप हाजिर हो गई है। एक घरेलू लड़की औरत का नाजरीन इस मुआशरे में जो मर्दों का सिलसिला है जो औरतों को देखते हैं ऐसे कूड़ी पाके और डेले खोल खोल कर जो तुमको बहुत पसंद वही बात कहेंगे तुम जिनको अगर रात कहो। बूटा जी अगे नू तोरो को गल नू यार पौना घंटा हो गया इत्थे ही तू मैं औरत ते ये वो हिचकियां हौली बकवास का लगा छमन लगी। हाँ जी चलो खांसी कर लो कर लो कर लो। नाजिन नाजिया नादिया या लालिया नादिया ना दिया के दे दिया नहीं। नादिया एक जॉब के सिलसिले में गुलबर्ग में एक रिक्रूटमेंट के सिलसिले में गई। वहाँ इसके साथ क्या जुबानी मेरा ख्याल है इसी की बीती सुनते हैं। जी नादिया मेरा नाम नादिया। मैं दास्ता मैं सब्जाजार की रिहायशी हूँ और मैंने अखबार में इश्तहार देखा था मुझे जॉब की ज़रूरत थी तो गुलबर्ग में उसका ऑफिस था। मुझे लगा कि मैं ये जॉब कर सकती हूँ तो मैंने उस ऑफिस में जाके अप्लाई कर दिया। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप 1 लाख रुपए ज़रा ज़मानत जमा करवा दें कैश। तो मैंने जमा करवा दी थी। मैं काम भी करी थी 1 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो उनके जो मालिक थे उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे शादी कर लो। यानी निजाम एकदम ही वाह एकदम ही तो अनुकूल नहीं नहीं एकदम ही मुझे बोल आपके वैसे पहले शादी जी। अच्छा की अच्छा तू उन्हें चंगी लग गई। बस अब उनकी पसंद जो उनको जहन में था जो नियत थी उन्होंने मुझे बोल दिया तो आम अच्छा के और मैं पहले से ही जो है मंगनी शुदा हूँ। अच्छा पहले से और आप हमारा एज गैप भी काफी है वो काफी एजेड है
और मेरी उम्र 23 साल, मैंने 2 साल बड़ी जाने। तो उन्होंने जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे कह दिया कि आप इस जॉब से फारिग। अच्छा यानी तेनू क्या कि तू जॉब से ही फारिग है, मुझे ऑफिस से ही निकाल दिया। ओहो यानी उन्होंने आपको जाबा कल इस नियत से रखा था कि आपसे शादी कर ले। जी शायद यही नियत थी। नहीं नहीं हो जाए, कई अन्य भी होंगे ना, कोई ऐसा रोला नहीं है। मुझे भी यही लगता था, लेकिन उस वक्त जो इंटरव्यू वगैरह में तो ये सब क्लियर नहीं था ना, तो मुझे तो उस वक्त फील नहीं हुआ। बाद में ऐसा ऐसा मुझे नियत और समझ आने लग गया कि काम क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर उन्होंने कहा फारिग है? जी फारिग है। तो जब मुझे जब मैंने छोड़ दिया उसके बाद मैंने अपनी जो है वो सिक्योरिटी और जो कैश जमा मैंने करवाया था जमानत के तौर पर वो मैंने जब उनसे वापस मांगा तो जब गई हूँ ऑफिस वो कहते हैं जी अब फिलहाल हमारे पास नहीं है, जब होगा 1,00,000 रुपये इकट्ठा हम आपको फिर उस वक्त बुला लेंगे। अब मैं बार बार जाती हूँ ऑफिस, ना मुझे मालिक मिलता है ना ही कोई मुझे उम्मीद है कि अब मिलेगी। मैं पुलिस के भी चक्कर काट चुकी हूँ, मैंने इनको नोटिस भी भिजवा दिया, कोई काम नहीं हो। नोटिस कैसे भिजवाया? वकील का चली? जी थाने गई? थाने गई थी। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? अब सर ये हो सकता है कि वो ऊंची पहुंच के बंदे हैं, शायद मिले में नहीं हो रहा काम मेरा, लेकिन मैं तो गरीब बंदी हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आगे कंटिन्यू करूँगी। गरीब नहीं, बूटे का दिल बहुत बड़ा है। मसला तो गंभीर किस्म का जो है वो फैल गया है। अगर आप ऐसे कह रही हैं कि आशक की खांसी सुनी आपने, आपके साथ ये बहुत याची हुई है। आशक साहब आप पंखे को हेलो 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 सत श्री अकाल बूटा जी। वे तेरा प्यार मेनू मिल रहा बूटा जी, मैं रजत बोल रही हूँ। रजत हेलो कौन बोल रहा है? रजत बोल रहे हैं बूटा जी। रजत साहब कहाँ से? नहीं बूटा जी रजत जग्गी, जग्गी रजत। मरे कितों बोल रहे हो? बूटा जी मैं इंडिया पंजाब तो बोल रहे हैं, चंडीगढ़ तो। रजत जग्गी मेरा नाम है जी। इंडिया से? हाँ जी बूटा जी इंडिया पंजाब तो बोल रहे हैं, चंडीगढ़ तो। इंडिया जग्गी रजत पास है जी, वेलकम जी, जान हुकम करें। मेरा नाम है जी बूटा जी रजत जग्गी जी। रजत? हाँ जी रजत पुखत जग्गी बूटा जी। हाँ जी जी जग्गा नहीं हुंदा जी, जिवें उवें जग्गी है जी बस। अच्छा जी रजत जग्गी। हाँ जी बूटा जी। जी रजत साहब। बूटा जी थोड़ा प्रोग्राम असीं इत्थे बड़े शौक नाल देखदे आ जी सारे इंडिया दे विच। बूटा जी मैं एक बड़े वड्डे मसले दे विच फसिया हां जी, जे तुसीं हल कर दिओ ते मेहरबानी है तुहाडी बूटा जी, बड़ा परेशान हैगा जी मैं। जी जग्गी साहब हुक्म करो। बूटा जी साढ़े जी इतने चंडीगढ़ के जी एक जगह हैगी जी, वह नाँ है गेड़ी रूट जी, बड़ी मशहूर जगह हैगी है जी बूटा जी चंडीगढ़ की। गेड़ी रूट? हाँ जी बूटा जी बिल्कुल। उत्थे जी सैक्टर 9-10-11 के एक रोड जाता है जी, वो आले दुआले जी काफ़ी कॉलेजेस ने लड़कियों के। हाँ जी बूटा जी उत्थे ना जी आ कुड़ियों काफ़ी मुंडे जड़े ना छेड़ते हैं जी, वह मशहूर जगह हैगी है जी इस मसले के। छुट्टी टाइम जी मुंडे काफ़ी तंग करते हैं जी कुड़ियों। हाँ जी जी वो बड़ी मशहूर जगह है जी, उत्थे यही काम होंदा बूटा जी। वाह। हाँ जी बूटा जी मैं ना उत्थे जा रहा कुछ दिन पहले जी, तो बूटा जी मेरे नाल भी 2-3 मुंडे जा रहे थे जी, तो मैनू समझ नहीं आई बूटा जी, मैं अपने ध्यान जा रहा तो एक कुड़ी ने इशारा किया अपने 2-3 भरावान के जी वो मुंडे आए सामने मैनू छेड़ दे। आए ने जनाब जी, वो भरा जे उन्होंने आके मैनू बूटा जी मारना शुरू करता। उन्होंने समझे बूटा जी कि शायद कुड़ी ने मेरे वाले इशारा किया, लेकिन मैं नहीं सीगा जी बूटा जी, वो मेरे नाल दे मुंडे होर सीगे। अच्छा जी। उन्होंने बूटा जी बहुत मारिया जी मैनू। तुसी है नहीं सी हो? हाँ जी जी मैं नहीं सी बूटा जी, मैं तो गुजर रहा सी बूटा जी। तुसी गुजर रहे सो? हाँ जी। वो तो बूटा जी बाद विच जिहड़ी कुड़ी हैगी सी जी उन्हें दस दिता भी ये नहीं मुंडा सीगा, तुसी गलत मुंडे नू कुटिया जी, वो मुंडे होर सीगे दूसरे जिहड़े। जा। वो कुड़ी ने भी बूटा जी दस दिता ना बाद च भी यह मुंडा नहीं सीगा जी। जा। वो बूटा जी हुण जिद्दां बाद दे विच हुंदा ना सुलह सफाई वाला मसला हो जांदा जी, उहदे च भी मेरे भाई जिहड़े हैगे जी वो कहिंदे असीं नहीं माफ़ करना जी, साढ़े मुंडे दे सट्टां बहुत लगियां होईआं, उहदे मतलब कि तुरिया भी नहीं जा रहा जी मेरे कोलों तां बूटा जी। तो इस तरह का मसला जिहड़ा जी वो बणिआ होइआ इस टाइम जिहड़ा, वह सिर्फ 1,000 रुपया दे रहा जी बूटा जी सुलह का। 1,000 रुपया तुहानूं सुलह वास्ते दे रहा? हाँ जी बूटा जी, कुट मैनूं बहुत पई है जी। चलो ठीक है 1,000 रुपया अगर वो कहें थोड़ा जा वधा लो तुसी, थोड़ा कोई बंदे बुंदे विच पा के। नहीं बूटा जी 1,000 रुपये दे विच तां इन्नी कुट नहीं जी बारे खांदी बूटा जी, एक एक जख्म जिहड़ा जी इन्ना महंगा होया बूटा जी। 1,000 रुपये दा जनाब जी तुसी दुध लवो नाल थोड़ी जी अपना हल्दी लवो उहदे विच पा के ते आराम नाल पीओ, सट्टां सुट्टां तुहाडियां ठीक हो जाणगियां, बस इन्ना की हुंदा हुण।
नहीं आशिक साहब जी देखो उन्होंने मेरे बाहों पर भी मेरे जख्म हुए हैं, मेरिया लत्तां दी हड्डियां दे उत्ते भी सोजश पई हुई है, और जनाब उन्होंने मैनू बहुत मारिया जनाब। मैं 1000 रुपया नहीं जी 3-4 हज़ार रुपया तो अपना आशिक साहब मेरिया दवाइया दवाइया तो लग गया जी, इन्ना नहीं जी हुंदा तुसी आप सोचो जरा। बताएं जी आशिक साहब, मार बूटा जी जिहड़ी मैं खाधी है जी वो कम अज कम 10-12 हज़ार दी है। चलो मेरी गल सुनो, तुसी जाके उहदे भरावां दे नाल चाचे बूटे दी गल कराओ, ये तुहानू 3000 रुपया दवा देंदे ने, ठीक है? नहीं जी थोड़ी मेहरबानी है जी, कोई चलो कुछ नहीं, तो कुछ 6-7 हुणे आप ही कहा कि 2-3 हज़ार रुपया हो जाए। नहीं जी आशिक साहब मेरे जख्म, मैं डॉक्टर को पूछे अपने को जी, वो कहिंदा जी तेरे सारे जख्म जेहड़े ने ना कोई 12-13 हज़ार रुपया ले आए ने। चलो भाजन जो फिर 4 बंदियां सुलह होंगी ना फिर 1 रुपया भी नहीं अगले दिन और वड्डियां की गल भी मननी पैंदी। हाँ जी ते मैं ते आप कहना जी चलो 13-14 हज़ार की बनती है जी कुट को, चलो 4-5 भाजी देखो हूँ गल मकाओ, 5000 रुपया बूटा ही तुम दवा सकता, इस तो ज्यादा नहीं भाजी। हाँ जी बिल्कुल जी, चलो 5000 तो दवा दो जी, 5000 मुनासिब है जी, सट्टा देख लो। 5000 रुपये गल मुकदी है चाचे बूटे की, उन्होंने गल करा दो, 5 तुम मिल जाएगा। चलो ठीक है जी, इदा ही है जी भाईचारा बनता है जी, इदा ही तलक बनते हैं जी, अगे तो भी उन्होंने कुटन की लड़ पवे तो मैं हाजिर हाँ जी, लेकिन रेट जोड़ा ना वो फिर नहीं नहीं इंज नहीं सोची आशिक साहब, कोई मसला नहीं है, मैं खा लिया करा अगर 5000 देने तो नहीं इदा की हरकत नहीं करनी, हौली हौली रेट जोड़ा मजीद घटी जाना जे, नाले तो पता लग गया होना कि कुड़ियों छेड़ो तो कितना कुट पी अगे तो तैयार करनी, बल्कि उधरों के लंघना ही छड़ दौ। नहीं नहीं जी आशिक साहब तुम पूरे चंडीगढ़ जो जिन्होंने मर्जी पूछ लो जी, सारे कहे जी मुंडा जरा शरीफ हैगा बिल्कुल। हाँ जी तुम हले शरीफ जे तो हिसाब ला लो, इन्नी कुट पई है जे कि छेड़िया हों तो फिर थोड़ा की हाल होना सी। हाँ जी ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जी, मैं थोड़ा प्रोग्राम बड़े शौक न देखता जी, साढ़े इंडिया के पंजाब बहुत लोग देखते जी। चलो ठीक है, बड़ी मेहरबानी जनाब, प्रोग्राम मुकदा ना तुम गल करा दौ कुड़ी के भरावान की, तो 5000 रुपया लै देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी जी थोड़ी सारे की जी। अच्छा यार लच जा मगड़ो। अच्छा जी सत श्री अकाल जी बूटा जी। सत श्री अकाल जी। कैसे बंजे ने कहना भी अगे तो भी जे लोड़ पवे कि मारन आते तो भी मार लो ना जी, वक्त वक्त छोटे से ब्रेकअप मिलते एक शॉर्ट ब्रेकअप। वेलकम टू शो नाथिंग, वापस आते हैं फिर, तेनू पता नहीं लगता तेनू चाचे जो आप जी जी आप अबू को लेकर गए उधर, क्या हुआ? नहीं मिला मालिक, मालिक ही नहीं मिला। भाई हैं? जी जी। भाइयों को लेकर गए हैं आप? भाई छोटे हैं लेकिन वो जा नहीं सकते थे, अबू की लेके गई थी। कोई बात नहीं, आज के बाद आशिक को भाई समझना। नाजिया आपके अबू शरीफ आदमी है, वो क्या कर लेंगे उन बाज और नौसर बाजों से, क्या? चाचा जी तुहानू दा मसला मेरे हाल समझ नहीं आ रहा, मैं तुहानू दस दिंदा, वो एक दफ्तर काम करन गई, उत्थे उन्हें जॉब की जिथे उन्हें 1,00,000 रुपया एडवांस दिता, कुछ छोटा मोटा जेवर अपना बेचा उस और काफ़ी कुछ किया, ख्वाब देखे कि चलो हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, उसने पैसे पूसे इकट्ठे करके उसको दिए, तो बाद में उसकी उम्मीदों पर वाटर फिर गया, पैसे भी ना रहे जॉब भी ना रही, और अब ये चाचे बूटे के पास आई है कि मेरा मसला जो हल करे। तो जब उन्होंने आपको जॉब दी, कोई अपार्टमेंट लेटर भी दिया था? जी दिया था। लो चाचे जी का केस बहुत ही क्लियर थे, बड़ा आसान ज्यादा केस है बेचारी का, तो लेबर काउंसल चली जी उत्थे जाके तो मसला हल हो जाएगा। आप बादशाह बंदे हैं, कख आपको पता नहीं लगता, आप दुनिया के आखिरी नलायक बंदे इसको आप कर रहे हैं, और क्या भी आप सही रहे हैं। एक होर शॉर्टकट रस्ता है कि तो तुसी कलाशन को लवो दे नाल चले जाओ, तो उन्होंने पैसे ले दो। नहीं ये तो आपने चवल मारे आप बकायदा तौर पे। यार मैं मशवरा देने भी लेबर कोड चली जाए तो, और तू नहीं ये ठीक है कि बाबा पा यही यही रास्ता, लेकिन क्या ये एक अकेली लड़के के लिए पॉसिबल है? एक गरीब और ना बेचारा लहाड़ा लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे पायल की घूप, जैसे चिड़ियों की कोक, जैसे चिड़ी बंदूक, और इतने छापे क्या ये मुमकिन है? चाचा जी मुमकिन नहीं, लेकिन लड़ना पेगा अपना हक लैन लई, अपना धक्क लैन लई, अपना धक्क वे बलौरी अखा लिया, तुहाडे कोलो तो इंसाफ इंशाल्लाह ताला मिलेगा ही, जिहड़ा पिछले अद्धे पौने घंटे तो मिल रहा, अगे भी इंशाल्लाह ताला मिलेगा ही। बूटा जी मालक ना कॉल मिल गई, इहदे नाल गल कर लो जरा मेहरबानी। हलो हलो मालक, हलो मलाते जरा नंबर मलाते जरा मेरा मालक का। हलो हलो जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। हाँ जी हुक्म करो जी, कौन सा भाजी?
मैं जी दुनिया का आखिरी एंकर है आजम चाचा बूटा कोहिनूर टीवी से मैं बोल रहा हूँ। जी जी हुक्म करो जनाब। आपकी सबका मुलाजम और ना होने वाली बीवी नादिया मेरे पास बैठी है। अच्छा जी 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 जी। आपका जो शिकायत लेकर बैठी है कि आप सिक्योरिटी पे 1,00,000 रुपया भी ले लिया और ऑफर शादी की अब आपने किया। अच्छा अच्छा जी ठीक। और दूसरा आपने इनसे शादी की फरमाइश की, फरमाइश ना पूरी होने पर आपने इनको नौकरी से निकाल दिया। अच्छा अच्छा ठीक। ए इन्हें तानू ए दसिया ठीक। ये आपका खिलाफ एलिगेशन। नहीं नहीं बूटा जी गल ए है कि वो ते ए ते इन्होंने तानू दसिया ना भी जो मसला है ए यक तरफा गल ए है। कुछ गल्लां इन्हां दियां विच गलत भी ने, कुछ गल्लां इन्हां दियां विच सही भी ने। जिहड़ियां सही इन्हां दियां गल्लां ने उह उन्हां चों काफ़ी गलत ने, जिहड़ियां इन्हां दियां गलत ने उन्हां चों एक भी सही गल नहीं इन्हां दी। हाँ जी। देखो बूटा जी शादी की मैं ऑफर की सी इन्हां नूं ते कुछ मैं अगों रिस्पोंस देखिया सी ते मैं की सी शादी की ऑफर। एवें मूँह चुक के तो नहीं ना मैं शादी की ऑफर कर सकता, को थोड़ा जहा मैं अगों अपना देखिया सी सिलसिला। सुन रहे हैं आप नादिया, चिड़ी उड़ी कां उड़ा, ये आपके मालक बोल रहे हैं जिन्होंने आपको नौकरी पर रखा। हेलो देखो जी जदों मैं इन्हां देखदा सी ना बूटा जी ये अगों मुस्कुराउंदे सी। ये मुस्कुराती थी जब आप देखते थे? हाँ जी जी। और देखो बूटा जी गल ये है कि हस पई तो अपना की इनू कहते हैं पंजाबी च हस पई तो अपना शादी की मैं कहता इनू, मैं क्या भी कर लैने मैं को गलत तो नहीं गल की, मैं तो डायरेक्ट शादी की ऑफर की जनाब। देखता मैं भी इसकी तरफ हूँ, ये भी मेरी तरफ देख के मुस्कुराती है, तो इसका अगर ये मतलब है तो मैं भी फिर शादी। नहीं जी थोड़े वाल देख के तो होंगी होनी ना फील भी साडा चिड़िया का चंबा वे बाबला वे असा उड़ जाना। मैं तो जवान जवान आदमी है जी, तुसी तो बुजुर्ग आदमी जी। ये तो मुझे कहती है आप जवान जान नहीं है। नहीं वो अपने हिसाब ना कह रही है, थोड़े नालों मैं फिर भी कोई 4-5 घंटे जवान ही है। अच्छा हाँ जी हाँ जी। ना देखो जी विआह तो इन्हें करना ही करना बूटा जी, कितने 1,00,000 रुपया जो लैन आ गई थोड़े को, मेरी 1,00,000,000 रुपए की कुड़ती होई वखियां तो तंग वे 1,00,000 रुपए नूं रोंदे इत्थे बह गए। मैं तो कहना कि मेरी प्रॉपर्टी की मालक बन जाए सारी दी। देखो जी तुसी तो बड़े ढिले जे मूँह ना, कैसा मूँह तुहाडा, कहता ना कि कर लेती ये शादी, उहदी वालदैन ने अगे उहदी मंगणी कीती आ, ऑलरेडी एंगेज हैगी है कितें भाई जान, जिते पहले जॉब करती सी उहनूं भी तो छड़े, इहदा मंगेतर भी छड़ देवे यार। उहनूं छड़े ना छड़े मैं तो कहना तेरी धौन दे विच ना कितें 2-4 छड़ देवे, कुछ बंदा शर्म नूं हथ मारे नौकरी तो भी कड़ता उन्होंने। भाजी मैं नहीं कटिया जनाब, शादी तो इनकार कर दें तो चलो नौकरी करती रही, कोई रौला नहीं सी। यार देखो ना एक पासे कहिंदे जे यार कि शादी जिहड़ा है बंदे का हक आ, बजाए तुसी गुनाह करो गुनाहगार बनो, तुसी एवें इधर उधर चवला मारो, उहदे नालों डायरैक्ट तुसी शादी कर लो, शादी 1,000 मसलियां का हल आ। मैं शादी का क्या तां भी स्यापा पा लिया, मैं अपने गल मैं कित्थे जावां हुण भाजी। मैनूं इक गल दसो भी तुहाडी जिहड़ी बेगम अपनी बेगम उह कित्थे है? क्यों तुसी की कहना? मैं उहनां नूं कहना ना कि भी अपना लगे मेरे मुँह सुन कुछ होर ना सुन लैना, तुहाडी मेहरबानी वह गरीब बची है, वो होर बड़ी मुश्किल उन्हें पैसे कट्ठे किए, वह 1,00,000 रुपया जिहड़ा उन्हें वापस करो। वो जी मैं इको सूरत ते दे सकदा, हक महर की सूरत च है जी, हक महर की सूरत देंगा मैं जी। उहदे लई ते तुहानूं इस कुड़ी दे बजुर्गों के कोल आना पएगा, उन्होंने राबता करना पएगा, बजुर्ग अगर मनणगे तो फिर ही गल होएगी ना। क्यों जी बजुर्गो मनणगे बजुर्ग? हाँ करनी कि नहीं? तेरे ते 1,00,000 दी 5 वारी जरब दे के तेरे उत्ते 1,00,000,000 दे। चाचा जी उहदे जिहड़े भी होणगे मैं उह कह रहा मण जाणगे। चाचा बूटा जी एक मिनट जरा मेहरबानी मेरी गल सुनो। जी सुनाओ। भाजन देखो एक कुड़ी मेरे को आई, इन्हें आके दफ्तर का माहौल देखिया, 1,00,000 रुपया कल्ली लैके आई, 1,00,000 रुपया जमा इन्हें कराया, इन्हें जॉब शुरू की, इन्हें अखबार यानी जो जो इन्हें किया उदो तो बजुर्ग बच्चे नहीं सी, उदो तो कल्ली कहते हूँ बजुर्ग आ गए बच्चे। बताएं जी आ सकता भाजन देखो तुम्हें तो शर्म का घाटा जनाब, माधरा तरह गल है बेचारी घरों काम करना आई सी, पता नहीं कि मजबूरी ना घरों निकली हो। तो भाजन मैं उधर कि यार तुम तो अल्लाह माफी देवे इंज गल करते भी जिम्मे मैं पता नहीं की कर लिया यार, एक मेरा हक है यार, मैं उन्होंने कह मेरे ना शादी कर ला यार, ये की मैं उन्होंने दस भी की हो गया। नहीं तो शादी रहन देंदे, छोटी भैन समझ के सिर ते शफकत दा तुसी हाथ रख दे। क्या कह रहा है नादिया ये? शफकत दा कातो रखदा मैं। आप राजी है? नहीं बिल्कुल नहीं, किसी की मत पर बैठना जी बिल्कुल भी नहीं। सुन जा पया हो यार, इन्होंने पूछो बूटा जी इन्होंने घर गल की मेरे रिश्ते की, केदा मैं इन्होंने प्रपोज किया। तू उसे ही नहीं पसंद तो वो घर क्यों करे? अच्छा मैं पसंद नहीं, वाह अच्छा दे जूस ते आपा कट्ठे ही पींदे रहे, उदों ते मैं पसंद सी। की फरमा रहा है?
दोबारा कहना भाजेंद्र। मैं क्या जी, जो असं जूस कट्ठे पीते रहे हैं उदों तो मैं चंगा लगता सी। भाई जान, जूस चंगा लगता सी, उहदे वजह नाल तुसीं चंगे लगते सी। जूस कदी तो तू अपने घर के सारे घरदिया ना मावा भैणा ना भी जूस पीता होएगा तो की मतलब आ। बूटा जी, बड़ा नाजुक जिहा टॉपिक आ, तुहाडी मेहरबानी उपरों तुसीं मैनूं ऑनलाइन लिया। यार मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, तुहाडी मेहरबानी इस मसले से, पर मैं कोई ज्यादती नहीं की। बताए नादिया, आपकी ये जो जूम है नी स्माइल है ना, आपकी ये जो लबे, हाँ जी, इन्हें ही मेरा भी बेड़ा गर्क किया बूटा जी। होंठों के अंदर हंसना मुस्कुराना, ये तो मुझे भी गलत फहमी का शिकार कर रही है हुआ। देखो ना बूटा जी, भी एक जॉब च सैलरी तो लैदा, उस तो बाद मैं अपनी खुशी ना कोई सूट लैता, घर छड़न जा रहा, तो जुती लैती, आइसक्रीम खा ली, जूस पी लिया, कि तो रोटी खा ली, कि तो मतलब खे खा ली। ऐसा हुआ जी, ये आपको शॉपिंग करवाते रहे जी? नहीं, मैं तो ऑफिस से सीधी घर जाती थी और एक्स्ट्रा टाइम पे जो है इस तरह से घूमती फिरती नहीं थी, ना मैंने कभी इनके साथ जूस पिया। जूस नहीं पिया आपने? ये सिर्फ बातें हैं। और ये चलो किते ऑफिस से विचो मंगवा के किते पी लिया होए किते, इस किस्म का माहौल मैंने नहीं रखा। हाँ, स्माइल पास वो है कि इखलाकी तौर पर जब आपको कोई देख रहा है, जब वो स्माइल कर रहा है तो आपको एग्जैक्टली स्माइल पास करनी पड़ती है माहौल अच्छा रखने के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने दिल में गलत फहमियां पैदा करें। वाह क्या बात है जी, ऐ एक शरीफ खानदान की शरीफ कुड़ी, ऐ जी स्माइल इस तो देंदी सी कि माहौल अच्छा रहे, तो फिर माहौल अच्छा हो गया, हुण भुगतो। भाई तू ना स्माइल दे, तू अपना काम करना ही, तू काम कर, तेनू की लोड़ा स्माइल दे के माहौल अच्छा रखने की, तू अपना काम कर। अच्छा तो फिर मैं क्या? मेरी गल सुनो, एक मिनट मेरी गल सुनो। देखो जनाब, मैं मालिक हाँ ना, तुम मैनू ना स्माइल दोगे या किसी भी ना स्माइल दोगे तो वो फिर स्माइल नहीं लेगा, इदा फिर उन्होंने स्माइल लेंदे। यार एक मिनट, स्माइल दूंगा। अगर बॉस है तो फिर आपको भी अपनी स्ट्रिक्टनेस रखनी चाहिए, क्यों सबसे आते जाते इतने फ्री होता है, इतना वो हसी मजाक करते हैं। तो तू ना को मैनू रिस्पांस दंदी भाई, मैनू पता लग जांदा भी हसी मजाक इतना नहीं होर किसे ना करनी। मैं तो जॉब कर रही थी अपनी। बूटा जी देखो जरा इहदा चेहरा, देखो इहदा चेहरा, देखो जरा गौर, देख रहे जी? हां जी, ओही मैं देख रहा हूं। इत्थे केड़ा माहौल अच्छा रखण लई इह स्माइलां दे रही है सारे नूं, इत्थे पूरे टीवी नूं माहौल अच्छा देने के लिए? नहीं, ये तो कोई ऐसी गलत बात नहीं उन्होंने कही। अच्छा वाह वाह जी, क्या। चलो जी मेरी गल सुनो, देखो जी अपना की नाम मोहतरम, मेरी गल सुनो, तुसी अगर इना मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, मैं कह रहा अगर माहौल अच्छा करन लई मैनू स्माइल देंदे रहे ने, मैं अपनी जिंदगी दा नेक्स्ट माहौल अच्छा करन लई इन्हां नूं ऑफर कराती, फर्क की रहा? हां ते उहनां ने अपनी उस तो नेक्स्ट जिंदगी तबाह होण दी वजह तों आपां नूं इनकार करता। ठीक है, ते फिर मैं अपना लख बचाउण लई इन्हां नूं इनकार करता, चलो फिर इदां दे इदां ही सही। अच्छा साहब, इसको पैसां दी गल करो, मामले को वाइंड अप करो। चलो जी, जो कुछ भी माजी जो होया उहने तुहानूं माफ कीता, ठीक, लेकिन लेकिन 1,00,000 रुपया जिहड़ा तुसीं, वो तुहाड़ी मेहरबानी है। ठीक है, फिर तुसीं आपे कहा जो माधी च इन्होंने होया माफ किया इन्होंने, तो लख भी मैं माधी च लिया थी, फिर मैंने माफ करता इन्होंने हुण। यार वो गल तो अलावा मैं कहा माधी लख कढ के माधी बेटा भाजन, तुसीं हुणे कहा कि जो कुछ माधी में हुआ उन्होंने आपको माफ किया। मेरी गल सुन बेटा, कैसा तेरा खिजी बतकर का मूँह है बेटे, मेरी गल सुन ला, कैसा तेरा मूँह है, जिमें 17 लत्तां ली मंजी हुंदी, कैसा तेरा मूँह है। मैनू तो शर्म आ रही तेरी गल सुन दे, भी तू करन की दे है, भी तेना जो उन्हें किया, चलो तू उन्होंने अगों कह दिया मेरे विआह करा ला, कैसा तरह मूँह आ, जिवें छतरी खराब हो जांदी, पलास के नाल बोटी फड़ के उहदे नमक चैक किया हुंदा ई, पाइया दाल पकाउण लई उहदे च 1.5 किलो मिर्चा पा दित्तियां हुंदियां, कैसा मूँह तरह मरे, लच्छे नूं दंदी वड़ के दाड़ कढ़ा ली हुंदी। चलो आशिक साहब, ये तो तुहाडा गुस्सा सी ना तुसीं कढ लिया, मैं भाई 1,00,000 रुपया नहीं दे सकदा, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਨਾਬ। ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਡਰ ਕੇ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਰੇ। ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਆਤੀ ਹੂੰ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ, ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰੱਖਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਤੀ ਹੂੰ ਤੋ ਮੁਝੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆਓ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਇਲ ਸਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੂੰ ਨਿਕਾਬ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੂੰ ਨਿਕਾਬ ਕਰਕੇ। ਨਿਕਾਬ ਕਰਕੇ? ਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਦੇਖ ਲਾ ਬੂਟੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ। ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਸੀ ਸਟਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋਬ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਬਸ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਲੱਖ ਦੀ
लख दी बूटा जी देखो मेरी गल सुनो, मैं लख दी जिहड़ी गल कीती सी उत्ते मैं हाले तक कायम हां। भाजन तुहाडे ते केस करके असीं लै लांगे, तुहाडे को पैसे कोई रौला नहीं। मेरे ते केस करोगे फिर ठीक है, फिर मैं भी दसांगा। भाजन के ऑफिस दा एक मुंडा सी जिहदे नाल मंगणी मुंगणी इहदी कोई नहीं होई, ऑफिस दे एक मुंडे दा चक्कर सी। जिदन की यह हटी उदन का ही हो हटिया, यह भी पैसे मंगते ही वह भी पैसे मंगते, इन्होंने मेरे ऑफिस का माहौल खराब किया, उत्थे इन्होंने अटिया सट्टिया लाइया, मैं भी इन्होंने केस करागा, मेरी इज्जत खराब हुई है। सलाम अलैकम। वालेकुम सलाम। शाबाश भी एंड ते जान लगे कि चवल मार के गए हैं। कोई निजामे हस्ती भी सी खिलाफ है। देखो चाचा जी उन्हें कहा जी चाचे के मुंडे ना मेरी मंगनी हुई है, तो एवं बकवास हूँ करके गया बंदा, जान के देते इल्जाम ला गया बेचारी से, लेकिन चाचे की मंगनी हुई है जी, पता नहीं हूँ की गल है बिचों। नहीं वो गल ठीक है, मैं भी बिचों बिचों लग रहा कुछ, कहीं कासा जो ना मुझे लग रहा है मशकूक। बात की तय के लागे लागे तक मैं पहुंच गया हूँ। इसके साथ ही अपना नाच रहीन प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, छोटा सा मिलते वक्फे के बाद। वेलकम टू दी शो नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा पेश खिदमत। हाँ जी आशक साहब। चाचा जी एंड देने गल कर दी थी उतों तो साफ साबित हो गया भी सानू कुछ होर पासे लाया, आप कुछ होर पासे की मान लिया तुझे नहीं, उसकी गल तू मान ली है। नहीं की पता लगता अजकल, कख नहीं पता लगता भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बूटा जी अशरफ गल कर रहे हैं जी। जी अशरफ साहब कितों बोल रहा है? अशरफ लाहौर बोल रहे हैं जी। बूटा जी तुहाडा प्रोग्राम देख के लोगों के मसले जिदा तुसी हल करदे जे, जिदा तुसी औरत अज फीमेल बैठी बेचारी, मैं कुछ कहना चाह रहा जनाब जी। हुक्म करो जी अशरफ साहब, टाइम बहुत शॉर्ट है। हाँ जी मैं ज्यादा टाइम नहीं लवांगा जनाब, मैं सिर्फ इन्ना कहांगा कि बूटा जी इस दौर दे विच तुसी लोकां नूं इदां हसाउंदे जे, जो मर्जी जिदा मर्जी है लोगों के मसले हल करते जे, लोगों के दुख दर्द के शरीक होंगे जे, बंदे बुलाते जे, जिदा हुण तुसी लड़की नूं बुलाया मैं सुन के हैरान हो गया। बूटा इज द बेस्ट, ईस्ट ऑफ द बेस्ट, बूटा इज द बेस्ट। बाकी जनाब ईस्ट ऑफ द बेस्ट, बूटा इज द बेस्ट, बिल्कुल सही कह रहे तुसी। अज का मसला जिहड़ा खतून बैठी, इदा हज़ार मसले ने, इस खतून का जिहड़ा मसला यकीन करो दिल खुश हो जाता तुहाडा प्रोग्राम देख के, ऐसा मतलब कि मज़ा कि मैं अपने दोस्तों नूं कहना कि यार देखो, मैं यार देखो, मैं कहना भी यार देखो, आ देखो यार बूटा ही सुन रहे। अच्छा वाह, मैं कहना बूटा जी भी ऐसा मतलब कि जिस तरह हुण लड़की का मसला एडे तुसी शफकत ना सुन रहे जे, एडे प्यार ना, और अगो तुसी मतलब जेड़ा भी एदा मसला है वो मैं देख रहा कि उदों दा मैं देख रहा कि मैं देख रहा कि यकीन करो कि बई भाई मैं देख रहा और बड़े दिल ना देख रहा, और मैं देख रहा कि तुसी बिल्कुल मैं देख रहा भाई। मैं मेरी गल सुन ना। मैं कह रहा तू देख रहा यार, मैं भी सुन। मैं देख, तू देख रहा मैं सुन रहा। मैं देख रहा ना। मेरा भरा एको मिशन है दुनिया च कोई मसला नहीं रहन देना। मैं क्यों जी आशक साहब। हाँ जी। मैं बड़े बड़े मुश्किल गुजर के मसले हल कर रहा, जिदा इस लड़की का मैं मसला हल कर दे लग गए लह आया। सही गल। खोजी दुनिया का उत्थे तक कोई नहीं पहुँचता जिथे बूटा पहुँच जाता। मेरा मसला हल किया बाद पानी नहीं मंगता, दोबारा मसला होंदा ही नहीं। कोई दुनिया जहान का कोई ऐसा रौला दुनिया की किसी नुक्कर से हो जाए हल, क्यों जी आशक साहब। हाँ जी बिल्कुल सही गल है। मैं कहना बूटा जी जेड़ा मैं हुणे देख लड़की का हिसाब ला लो। बाबा बात यह है कि बूटे ने कभी गुरूर किया ही नहीं है। हाँ जी करना भी नहीं चाहिए बूटा जी। यहाँ आप खवातीन के हकूक के तहत बूटे के अलावा जाओ दुनिया घूम ला सारी जग घूमे हाँ, बूटे जैसा ना कोई। यार ज्यादा मैं जज्बाती नहीं होना चाह रहा आशक साहब। जनाब अमरीका वाले कह रहे ने साढ़े को कश्मीर ले लो सानू बूटा दे दियो लख, और चाइना वाले कह रहे ने कि बूटा मर भी जाए तो सानू वेच देना जिन्हें पैसे कहोगे देंगे। भाई जानो तो मैं हिसाब ला लिया इस बंदे का जनाब, आ फ्री ने दुनिया जहान फानी ए, मैं लड़की का केस मैं उदों का देख रहा। मैं क्या यार की लड़ रहा है बंदा एक औरत की खातर, की मसले मसायल कट्ठे करके लिया रहा, और की जिंदगी के पहलू उजागर कर रहा है बंदा, और यह बंदा की है बंदा, यदी आरती उतार के यदी जुत्ती उतार के ना बंदा, तो आरती यदि उतार दे यदी बंदा। भाजन ज्यादा जज्बाती ना होवो, हॉलीवुड चो ऑफर आई कि दी मम्मी फिल्म जी है ना वो असी बना चाह रहे हैं, जैनवन मम्मी पा के मतलब जी
बिल्कुल फेक ना लगे तो बूटे नू कह रहे भी पैसे दस। बूटा यकीन करो नहीं मंगया, इन्हें कहा भी नहीं भाई मैं जाना ही नहीं। ना ना भाजी भेजना भी ना, बिल्कुल ना भेजना जनाब। जिदा हाथी लाओ देखो, वाह वाह की शान है। जिदा हाथी जींदा मरिया, हाथी लख का मरिया सवा का होंगे ना, ये जागदा करोड़ का मरिया पंजा करोड़ का। जी देखो बेचारा किस तरह मेहनती आदमी है कि वह जागदा सौंदा लोगों की खिदमत दे विच आ के नींद भी इतने पूरी कर रहा, उन्हें टाइम नहीं मिलता। हराम आ के एक मसला भी जिंदगी जी। बिल्कुल मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा कि कुड़ी का की मसला जी बैठी है, जरा मेहरबानी मैं समझ नहीं लगी। बेटा तेरा दुर बेटा घंटा हो गया खा पाई जिम्मे कुड़ी का मसला तो पता होर गल कर होर ना चुक चुक गल कर यार हूँ मैनू की पता भी कूलर तेरे बेटा तू कि समझना। मैं सोचा मैं जान बुझ के खबर कर सुता नादिया चलो नथी हो जाओ अपना तेरा मसला जी हल कर दिता, तू जो मर्जी नौकरी से चल जा, अगर नहीं जाना तो तेरी मर्जी है भाई। साढ़े लो तेनों मसला तेरा मसला जरा सारा साढ़ा क्लीयर हो गया, नौकरी से जाना चली जा नहीं जाना, टाइम पा अपना समाइल पास कर पावा जो मर्जी पास करना। इसके साथ ही मैंने इजाजत ली है, बहुत शुक्रिया।